कृषि उत्पन्न बाजार समिति में एजेंसी और कर्मचारियों की मिलीभगत कर चना उत्पादक किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पत्र परिषद के दौरान पूर्व विधायक सुधीर पारवे, प्रदेश किसान मोर्चा महामंत्री आनंद राव राउत ने खुलासा किया कि समर्थन मूल्य से 1000 से 1500 रुपए कम भाव में चना की खरीदी कर एजेंसी के माध्यम से वखार महामंडल में रवाना किया गया। नाफेड़ से चना का भाव 5230 रुपए निर्धारित किया गया था, लेकिन बाजार समिति के कर्मचारियों ने खरीदी करने वाली एजेंसी से मिलीभगत कर 4100 रुपए के क्विंटल के भाव से 300 टन चना खरीदा है। ठिकाणी खजारताने मी अपना सांगू इच्छितो की 19 तारखेला मी स्वतः भिवापूर तालुक्यामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती भिवापूर या ठिकाणी व्हिजिटला गेलो। मला बऱ्याच शेतकऱ्यांचे निवेदन प्राप्त झाले होते की शेतकऱ्यांच्या मालाची हरभऱ्याची जे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीच्या माध्यमातून आणि नाफेडच्या माध्यमातून त्यांचा हरभरा खरेदी करण्याची प्रक्रिया आहे त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये अनियमितता आहे आणि शेतकऱ्याच्या मालाला केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जो हमीभाव भेटतो तो हमीभाव खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्याची जी ओरड होती की शेतकऱ्याला भाव बरोबर भेटत नाही, परंतु केंद्र सरकारने जे हमीभाव तयार केले तो हमीभाव शेतकऱ्याला व्यवस्थित भेटला पाहिजे, तो भेटतो की नाही भेटत हे जेव्हा मी पाहायला गेलो, जेव्हा तक्रारी प्राप्त झाल्या, तर भिवापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांच्या हरभरा पिकांची फार मोठ्या प्रमाणामध्ये लूट होत असताना त्या ठिकाणी दिसली। उन्होंने इस धोखाधड़ी की उच्चस्तरीय जांच की मांग की। पत्र परिषद में अशोक धोटे, अजय बोढ़ारे, भास्कर इंगले, कपिल आदमने भी उपस्थित थे। बताया गया कि भंडारा जिले के पौनी तहसील के पोशिंदा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी मोखारा के माध्यम से यह खरीदी की गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।